अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। कुछ अर्से से काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं मुझे कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री और ई कैट इनसे रिलेटेड कोई यूट्यूब चैनल बताएं कि हमें आसानी हो, हम वो भी देख लें। मैथ का भी आपका है तो हमें बाकी सब्जेक्ट का भी बताएं। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, एक पीडीएफ मैंने अटैच किया हुआ है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सही, वो पीडीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पीडीएफ का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा 4 से 5 मिनट बाद कि आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। उसका मकसद देखिए यार, मैंने बड़ी मेहनत से पीडीएफ बनाया। अगर आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा, आप लोग खुद भी देखोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि यार इस पर काफ़ी काम हुआ है और मैं अकेला हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। तो जब मैंने इतनी मेहनत से काम किया तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, ताकि जिसको फ़ायदा हो एटलीस्ट, मतलब आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, आप लोगों ने शेयर किया आपको भी नेकियाँ मिलेंगी और मुझे भी इंशाल्लाह मिलेंगी। तो देखने वालों का फ़र्ज़ ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सबसे ज़्यादा शेयरिंग का जो मीडिया है, मतलब जिस साइट पर आप कर सकते हो, व्हाट्सएप है वो, तो कोशिश करना व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में मैं जितने भी चैनल डिस्कस करूँगा, टोटल 10 चैनल हैं, इन चैनल में अगर आप विजिट करोगे जाके, तो कोशिश करना इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो यूट्यूब पे आया हुआ है ना और जो इतना अच्छा काम कर रहा है, टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लोग यूट्यूब पे आके, तो एटलीस्ट उनको सब्सक्राइब कर देना ताकि उनका थोड़ी खुशी में इजाफा हो जाए, उनको आप सपोर्ट कर दो थोड़ा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई किसी ने मुझे पैसे दिए हुए कि भाई हमारा चैनल प्रमोट कर दो, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आप एटलीस्ट जितना कर सकते हो आप उसके लिए कर दो, सही है। बाकी आप लोग जाओ और चैनल विजिट करो और वीडियोस देखो इनकी। अब देखो, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक तो कर देना वीडियो को, लेकिन दुआ ज़रूर दे देना, सही, क्योंकि दुआ बाकी काम आती है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बनाया है, तो अगर आप लोगों के लिए आसानी है व्हाट्सएप पे ऐड होना, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते, स्पेशली लड़कियाँ बोलती हैं, तो अगर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अपनी पसंद से ऐड होना चाहते हो ग्रुप में, तो ऐड हो जाओ। उसमें काफ़ी मैं आप चीज़ें बताता रहता हूँ, आमतौर पर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब देते रहता हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है। और स्पेशली इस वीडियो से रिलेटेड मैं लिंक भी डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, और जो आज पीडीएफ मैं दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, सही है, वो दूंगा, वो ग्रुप पे भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को शौक हो तो मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लो और उसके बाद कोई भी काफ़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को, कोई भी सवाल पूछे तो आप लोग सीख जाओगे काफ़ी चीज़ें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पीडीएफ अटैच होगा, और इस पीडीएफ में हर चीज़ मैंने ऐड की हुई है, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब सब्जेक्ट को मैंने ऐड किया हुआ है, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट हैं। अच्छा, पीडीएफ के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह पीडीएफ को देना है, और हल्का से ओवरव्यू दे दूंगा कि पीडीएफ में मैंने किस तरह अरेंज की हुई हर चीज़। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखो, मेरा चैनल इतना काबिल नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट करूँ, कि मैं किसी के सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ या मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। देखो, सिंपल ये वीडियो बनाने का और पीडीएफ स्पेशली बनाने का मकसद ये है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो सेंटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी फैमिलीज बहुत हैं, ऐसे स्टूडेंट बहुत हैं जो सेंटर को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो एटलीस्ट उनकी हेल्प हो जाए, और उनको इतना नहीं पता कि भाई यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। देखो यार, जितनी भी गरीबी हो जाए, नेट तकरीबन सबके पास ही होता है, नेट इतनी ऐसी चीज़ होगी कि तकरीबन सभी अफोर्ड कर लेते हैं इसको, तो ऐसे चैनल मौजूद हैं जिनसे स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट को पता नहीं है उन चैनल के बारे में, या किसी को अगर पता है कि यार ये चैनल मौजूद है लेकिन उसको ये समझ नहीं आती मैं अपना रिस्पेक्टिव टॉपिक या कोई मैं चैप्टर जो सर्च करना चाह रहा हूँ वो मैं किस तरह चैनल पर सर्च करूँ, तो बस मेरा ये काम है, मैंने इसलिए वीडियो बनाई है, ना मैंने ना किसी चैनल वाले ने मुझे पैसे दिए कि भाई आप हमारा प्रमोट करो। मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि लोग मुझे देंगे पैसे प्रमोट करने के लिए, ना मैं ऐसा कभी करूँगा, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों की हेल्प हो, और स्पेशली उन स्टूडेंट की जो सेंटर नहीं जा सकते, और वो भी स्टूडेंट हैं जो पेपर से पहले बेचारे अगर सेंटर ऑफ हो जाते हैं, किसी टॉपिक में मसला है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि मैथ का तो मैथ के लिए तो आपका भाई बैठा हुआ है ना, बाकी सब्जेक्ट की किस तरह वो हेल्प लेंगे, उनके लिए मैंने बनाया है। एक और चीज़ यार देखो, फ्यूचर में जैसे मैंने पीडीएफ आप लोग देखोगे उसमें मैंने काफ़ी लिंक ऐड किए हैं, सही, अगर फ्यूचर में मुझे कोई और अच्छा चैनल मिलता है, और अगर आप लोग, ये भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप लोगों को इसके अलावा कोई चैनल अच्छा पता है, तो आप लोग मुझसे डिस्कस करो, पर्सनली मुझे मैसेज करो, लिंक भेजो, मैं इस पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि कुछ अरसे बाद, मतलब वीडियो देखते रहना, इसका पीडीएफ डाउनलोड करते रहना, मुझे कोई नया अगर मिलेगा चैनल तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, सही, तो आप न्यू पीडीएफ डाउनलोड कर लेना उसको। आखिरी पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को पॉइंट पर आ जाता हूँ, वो ये है कि भाई जितने मैंने लिंक ऐड किए हैं, ये मैंने हर चैनल पर गया हूँ और उनकी प्लेलिस्ट वाइज मैंने देखे, प्लेलिस्ट में अगर वो चैप्टर ऐड है, वो रिस्पेक्टिव कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो ऐड है, मैंने लिंक ऐड कर दिए। मे बी उन्होंने इससे ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हों, किसी और कोर्स के अपलोड किए हों, लेकिन प्लेलिस्ट में ना हो वो, तो मैं देख नहीं पाया उनको। तो अगर आप लोग किसी चैनल, आपको कोई अच्छा लगता है
तो आप लोग उनसे रابطہ करो और उनसे पूछ लो, वो आप लोगों को डिटेल में बता सकते हैं कि भाई हमने क्या क्या अपलोड किया हुआ है। मैंने तो वही ऐड किया जो उनकी प्लेलिस्ट में मुझे नज़र आया, इसके अलावा उन्होंने अपलोड किया होगा तो आप लोग उनसे रابطہ कर लो। जो भी उन्होंने मेथड लिखा हुआ है अगर वो कॉमेंट के जरिए से रिप्लाई करें तो आप कॉमेंट कर दो, जो भी है तो आप उनसे रابطہ कर लो, डिटेल में वही बता देंगे। मैंने बस ये कि जितना प्लेलिस्ट में मुझे नज़र आया मैंने उतना ऐड कर दिया। देखो मैंने अरेंज किए हुए तीन क्लासेस, टोटल चार क्लासेस से मैंने अरेंज किए हैं, सही। सबसे पहली क्लास 9th क्लास और सब मैंने सिंध बोर्ड के अरेंज किए हैं, 9th 10th 11 और 12। सबसे पहले मैंने SSC पार्ट 1 मतलब 9th क्लास को टारगेट किया, और 9th क्लास में जो सब्जेक्ट असल मसला करता है वो है केमिस्ट्री। तो 9 केमिस्ट्री का मैंने लिंक ऐड किया हुआ है और वो चैनल लिखा हुआ है MSA तालीम, और MSA की एब्रीवेशन मैंने पूछी तो उन्होंने बताया था कि मॉडल स्कूल अकेडमी मे बी, सही। तो वो चैनल है आप लोग देख लेना। तो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे ज़्यादातर तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लोग मतलब स्टूडेंट हैं, तो उनके अगर छोटे बहन भाई हैं जो भी हैं, जिस तरह भी आप लोग शेयर कर सकते हो आप लोग कर दो, 9 वालों को फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक में मैंने मैथ में दो चैनल ऐड किए हैं, एक आज़ान अशफाक के नाम से और एक चैम्प्स मतलब चैम्पियन, वो चैनल का मतलब होगा चैम्पियन अकेडमी जोन जो भी है, तो मैंने दोनों के लिंक ऐड किए हैं। दोनों ने मैट्रिक के बारे में थोड़ा मैथ में काम किया हुआ है तो मैंने उनके लिंक दिए हैं, आप लोग जाके देख लेना, विजिट कर लेना। और फिर से रिलेटेड तलहा फिजिक्स एकेडमी के नाम से चैनल है, आप लोग देख लेना, उन्होंने मैट्रिक के भी अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी अपलोड किए हुए, तो मैट्रिक में मैंने उनका लिंक ऐड कर दिया। उसके बाद आप लोग काम पे आ जाओ अपने, अब वो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने जैसे फर्स्ट ईयर फिजिक्स को सबसे पहले तो मैथ को मैंने टारगेट किया, मतलब अगर आप देखोगे मैंने मैथ अरेंज किया है, तो मैथ में आपको ज़्यादातर दो ही चैनल मिलेंगे यूट्यूब पे सिंध बोर्ड के जिन्होंने काम किया है। उनमें से एक चैनल तो है, आप लोग मेजोरिटी शायद जानते हो उनको, सर एहसन अब्दुल्ला पटेल, बहुत अच्छा टीच करते हैं वो, सही है। और दूसरा चैनल जो है वो आप लोग जानते हो, आप लोगों के भाई का चैनल है फ्री मैथ्स के नाम से। स्टूडेंट मुझसे पूछे सर आपने फ्री मैथ क्यों नाम रखा है इसका, मैंने कहा मेरी मर्ज़ी। अच्छा तो कभी बताऊंगा क्यों नाम रखा हुआ मैंने फ्री मैथ, कुछ लोगों को समझ भी आ जाता है नाम पढ़ के। खैर तो फर्स्ट ईयर मैथ के लिए ये दो चैनल आप लोगों के मैंने रिकमेंड किए ऐड हैं, आप लोग जैसी जैसे सर एहसन अब्दुल्ला पटेल का जो चैनल है उस पर जैसी मैंने लिंक दिया हुआ, आप जैसी क्लिक करोगे फ़ौरन उनकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी फर्स्ट ईयर मैथ की। इसी तरह फ्री मैथ पे जब आप क्लिक करोगे लिंक पे तो फ़ौरन फर्स्ट ईयर की जितनी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं अभी तक, क्योंकि फर्स्ट ईयर अपलोड हो रहा है, चैप्टर 6 तक अपलोड हो चुका है, मतलब होने वाला है और उसके बाद में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, तो वो आपके पास प्लेलिस्ट खुल जाएगी। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर मैथ पे आओगे तो सेकेंड ईयर मैथ पे भी आपको दो ही चैनल मिलेंगे ये। अच्छा मैंने अरेंज किस तरह किया हुआ है, पहले 9th 10th उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर की हेडिंग डाली हुई है, उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो सेकेंड ईयर की हेडिंग डाली हुई है। सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स के आपको सबसे टॉप पे मिलेंगे और उस पर भी दो ही चैनल हैं, सर एहसन अब्दुल्ला पटेल प्लेलिस्ट मैंने ऐड की हुई है और एक फ्री मैथ के नाम से हो गया आपके भाई का चैनल, वो भी ऐड हुआ है। उसके बाद अगर आप फिजिक्स पे आओगे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकेंड ईयर फिजिक्स, तो फिजिक्स को मैंने अरेंज किया हुआ है फिजिक्स थ्योरी के नाम से, एक फिजिक्स की थ्योरी है उसमें डेरिवेशन सब आ जाएंगे, फिर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, उसके बाद फिजिक्स प्रैक्टिकल्स हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर देखो तो फिजिक्स थ्योरी पे आपको दो ही चैनल मैंने रिकमेंड किए हैं, एक तो तलहा फिजिक्स एकेडमी के नाम से प्लेलिस्ट ऐड की हुई, आप क्लिक कर लेना फ़ौरन प्लेलिस्ट खुल जाएगी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। उसके बाद सेकंड चैनल जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है मोहम्मद कामरान खटक के नाम से दिया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट, अच्छा इनकी प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई, इनके चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखोगे ना लिखा हुआ होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 इस तरह, फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 जो भी है, तो मैंने इनके चैनल का लिंक दे दिया, आप चैनल पर जाना और सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाके विजिट करना, आपको मिल जाएंगे सारे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर आपने विजिट करना है, स्पेशली जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है उसकी प्लेलिस्ट में जाना है। मेरे चैनल पे भी जब आप लोग विजिट करो तो प्लेलिस्ट पे जाओ। आमतौर पे स्टूडेंट मुझे बोल रहे होते हैं सर आप सेकेंड ईयर कब करवाएंगे, भाई सेकेंड ईयर मैंने पूरी करवा दी है, खत्म करवा दी है, पास पेपर MCQ हर चीज़ खत्म करवा दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी। तो इन चैनल में से किसी भी चैनल पर आप विजिट करो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाओ और प्लेलिस्ट पर आपको जो आपने ढूंढना आपको मिल जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए आप देखो तो मैंने वही तीन चैनल ऐड किए हैं, तलहा फिजिक्स एकेडमी के नाम से उनकी प्लेलिस्ट है, फिर मोहम्मद कामरान खटक जो है इनकी है, उसके बाद सिंध बोर्ड टीचिंग, सर ये चैनल बहुत बड़ा है सिंध बोर्ड टीचिंग, और जो चला रहे हैं ना इनको, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस डाली हुई हैं और काफ़ी उनके एक सब्जेक्ट में काफ़ी सब्जेक्ट हैं आपको नज़र आएंगे आगे, और मेडिकल पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन उनका बहुत बड़ा चैनल है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, सही। इसी तरह प्रैक्टिकल में आ जाओ तो मुझे एक ही चैनल मिला है, इन फ्यूचर अगर मुझे कोई और मिल जाए तो मैं ऐड कर दूंगा, सही। जितने चैनल मैंने ऐड किए हैं अगर फ्यूचर में मुझे कोई और मिले तो मैं इनमें ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप केमिस्ट्री पे आ जाओ, केमिस्ट्री में अगर आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में देखो तो दो चैनल हैं, सिंध बोर्ड टीचिंग और MSA तालीम जो आप लोगों को पहले बताया था, इन दोनों ने न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी
ये ऐड किए हुए हैं इन प्लेलिस्ट में। अगर आप जाओगे ना केमिस्ट्री की, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, तो उन्होंने न्यूमेरिकल भी ऐड किए हुए हैं और साथ उसकी थ्योरी भी है उस प्लेलिस्ट में। और जो डी ए आर अकेडमी है, ये मतलब इनकी एब्रिवेशन है डॉक्टर आतिफ रज़ा आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इनका चैनल जो है, इन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ऐड किए हैं, तो मैंने वो प्लेलिस्ट दी हुई है। मे बी इन्होंने और ऐड किया हो, मुझे नहीं मिला, आप लोग इनसे खुद रब्ता कर लेना। तो मुझे जो प्लेलिस्ट मिली है सिर्फ न्यूमेरिकल थे, मैंने उनका लिंक ऐड कर दिया। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा एक सब्जेक्ट है जो आमतौर पर स्टूडेंट काफ़ी बोलते हैं, वो उर्दू बोलते हैं। चाहिए उर्दू के गेस्ट पेपर उनको चाहिए, तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर के सेक्शन में भी एक आखिर में मिल जाएगा फर्स्ट ईयर उर्दू गेस्ट पेपर के नाम से। वो डॉक्टर आतिफ रज़ा जो है डी ए आर अकेडमी के नाम से, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। अब मैंने उनकी वीडियो पूरी नहीं देखी, मैंने जस्ट लिंक ऐड कर दिया, आप लोग जाके देख लेना और कोई भी सवाल हो तो उनसे पूछ लेना जाके। सही, और इसी तरह सेकंड ईयर की भी उन्होंने गेस्ट पेपर की उर्दू की वीडियो अपलोड की है, वो भी मैंने ऐड कर दिया, आप लोग जाके देख लेना। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मैंने चैनल्स देखे हैं जिसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ टीचर्स ने। उसमें नंबर वन जो मैं बोलूँगा सर एहसन अब्दुल्ला पटेल बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके बारे में बताया हुआ काफ़ी। मेरे ख्याल में उसमें नस्ट है, एनएडी है, और मेरे ख्याल में तीसरी फास्ट है मेरे ख्याल में। सही, तो आप लोग देख लेना, काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह एंट्री टेस्ट है, उनके बारे में काफ़ी आपको मालूम होगी। उसके बाद सेकंड जो डी ए आर अकेडमी के नाम से चैनल है, तो उन्होंने अपलोड किया हुआ, उन्होंने इस टाइप की कैरियर काउंसलिंग की हुई है कि यार आपने मैट्रिक के बाद क्या करना है, आपने एफ एस सी के बाद क्या करना है, बाकी आप लोग देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और फिर सिंध बोर्ड टीचिंग, उन्होंने भी ऐड कुछ किया हुआ है कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो मैंने उनका लिंक दे दिया आप। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक बचा है वो ई कैट का। अब ई कैट में सर एहसन अब्दुल्ला पटेल ने बहुत अच्छा काम किया हुआ, उन्होंने फर्स्ट ईयर की बुक वन जो है, मतलब फर्स्ट ईयर की ई कैट की वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं और सेकंड ईयर की भी अपलोड की हुई हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर में भी सर एहसन अब्दुल्ला पटेल का मिल जाएगा मैथमेटिक्स में, और सेकंड ईयर में भी मिल जाएगा। मैंने सेकंड ईयर की अपलोड की हुई है, लेकिन इतना कोई अच्छा काम नहीं किया मैंने, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर के सिर्फ तीन चैप्टर ही अपलोड किए हैं, तो मैंने उनको ऐड नहीं किया। अगर आप लोगों को शौक हो तो आप लोग चैनल पर जाके देख लो, लेकिन कोई इतना अच्छा काम नहीं था जो मैं ऐड करता इसके अंदर। और बाकी ई कैट के हवाले से फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकंड ईयर फिजिक्स दोनों में आपको सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से चैनल मिल जाएगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उनका भी मैंने ऐड कर दिया। एंड पे मैंने जितने भी चैनल लिंक है, टोटल 10 चैनल्स के बारे में मैंने जिक्र किए, और इन 10 चैनल्स के मैंने सबके लिंक दे दिए। सही, टॉप पे आपके भाई का चैनल है, तो उनको विजिट कर लेना जाके, आप लोगों का कोई भी सवाल हो जो भी इनसे पूछ लेना आप लोग जाके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, फीडबैक ज़रूर मुझे देना। और मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी आप लोग, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप लोग ज्वाइन कर लो, और जो पीडीएफ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर देना कैसी लगी वीडियो, बताना। और जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ज़रूर उसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचाना कि सबको इससे फ़ायदा हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं देना मुझे अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो। अल्लाह हाफिज़।